राजधानी लखनऊ में आग का तांडव देखने को मिल रहा है। जी हाँ, होटल में आग लगने से हड़कंप मच गया। राजधानी लखनऊ की ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां होटल में मौजूद लोगों में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। होटल राज में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। आग लगने से धुआं होटल में भरा। आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने पहले लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला, उसके बाद आग पर काबू पाया है। वहीं आपको बता दें कि फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। प्रतापगढ़ में बुजुर्ग महिला की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। दिन दहाड़े पड़ोसी ने महिला को चाकू से गोदा। चारपाई पर सो रही महिला की पीठ पर कई वार किए। हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित किया। आरोपी पड़ोसी युवक को पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा। संग्रामगढ़ थाना के काजीपुर को से मर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। जो आपको बता दें कि प्रतापगढ़ में बुजुर्ग महिला की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। दिन दहाड़े पड़ोसी ने महिला को चाकू से गोद डाला। वहीं सूचना पर पहुंचे पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ संवाददाता प्रेम मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जिस प्रकार से बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई, इसके पीछे की वजह क्या खुलकर सामने आ रही है? संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र के काजू कुसेमरपुर गांव का है, जहां बता दें कि एक मामला सामने आया जहां बुजुर्ग महिला थी जिसे चाकू से गोद कर उसकी दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती जी। है। बता दें कि हत्या के बाद जब मामला कहीं ना कहीं खुलासा सामने आता है तो मौके पर पुलिस बल पहुंचती है और हत्या आरोपी कहीं ना कहीं मामले से जो है रंगे हाथ पकड़े भी जाते हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि जो आरोपी पकड़े गए हैं, महिला के शव को पहले पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और जल्द ही उनसे पूछताछ कर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा किया जाएगा। फिलहाल अभी तक पुलिस ने किसी भी तरीके से मामले को लेकर कोई भी ऐसे शब्द नहीं बताया है जिससे वो बातें सामने आ सके, स्पष्ट की जाए। जी जी, तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद। पूर्व सपा विधायक पर और कसेगा शिकंजा। पूर्व सपा विधायक पर शिकंजा कसने की तैयारी की जा रही है। इरफान सोलंकी की जांच शुरू की। केडीए की जमीन कब्जाने की ईडी ने शुरू की है जांच। जहां सपा यानी कि पूर्व सपा विधायक पर लगातार शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। जिस प्रकार से इरफान सोलंकी की ईडी ने जांच शुरू की है और ये माना जा रहा है कि पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। पूर्व सपा विधायक पर लगातार एक के बाद एक शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है और इस पूरे मामले में अब ईडी ने जांच शुरू कर दी है। जांच की आज लगातार तेज होती हुई नजर आ रही है। केडीए की जमीन कब्जाने की ईडी ने अब जांच तेज कर दी है। दाखिले के बाद छात्रों के सीट छोड़ने का मामला दाखिले के बाद छात्रों के सीट छोड़ने के मामले को लेकर बड़ी अपडेट खुलकर सामने आ रही है। जहां निजी संस्थानों को हर हाल में करना होगा फीस रिफंड। यूसीजी ने बढ़ाई मामले में सख्ती। यूजीसी ने तैयार किया फीस रिफंड पॉलिसी 2024। फीस रिफंड नहीं करने वाले संस्थानों का रुकेगा अनुदान। यूजीसी से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। जो आज दाखिले के बाद छात्रों के सीट छोड़ने के मामले से जुड़ी बड़ी अपडेट। ज्यादा अपडेट के साथ राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, फीस से जुड़े मामले को लेकर यूजीसी ने एक बार फिर से मामले में सख्ती दिखाते हुए नजर आ रहे, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, अगर बात की जाए आरती तो कहीं कहीं जिस तरीके से परीक्षाएं रद्द हुई थी उसी तरीके से यूजीसी की जो परीक्षा थी तो उसमें दाखिले के बाद छात्रों को सीट छोड़ने का मामला सामने आया था। तो जिसको लेकर अब जो है जो निजी संस्थानों को हर हाल में उन्होंने बता दिया कि निजी संस्थानों को हर हाल में फीस जो है
उनकी रिफंड करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि आप यूजीसी ने जो इसमें बिल्कुल सख्ती बरतते हुए कहा है कि जितने भी छात्र हैं उनकी जो फीस थी उसको किसी भी कीमत पर उसको रिफंड किया जाए। तो जाहिर सी बात है कि अब जो है फीस रिफंड नहीं करने वालों पर संस्थानों पर कार्रवाई भी यूजीसी करने जा रही है। जी बिल्कुल, तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद राजेश। यूपी में लागू शिक्षकों का डिजिटल हस्ताक्षर होगा। जब डिजिटल हस्ताक्षर की तैयारी की जा रही है, परिषदीय विद्यालयों के लिए नई व्यवस्था लागू हुई है। शिक्षकों का समय से स्कूल पहुंचना अनिवार्य होगा। जहां कई तरह की लापरवाही बरती जाती थी उस पर बड़ा एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। आधे घंटे तक ही शिक्षक को अगर देरी हुई तो बड़ी कार्रवाई की जाएगी। नई व्यवस्था का कई शिक्षक संघ लगातार विरोध कर रहे हैं। शिक्षक काली पट्टी पहनकर इसका विरोध जता रहे। जिस प्रकार से राजेश एक बार फिर से हमारे साथ अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं, यूपी में लागू शिक्षक का डिजिटल यानी कि अब डिजिटलीकरण को लेकर लगातार सरकार बढ़ावा दे रही है, तब इसको लेकर क्या अपडेट सामने आ रही है राजेश? आरती, अगर बात की जाए शिक्षकों की तो यूपी में जो नया निर्देश जारी किया गया है, परिषदीय विद्यालयों के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है डिजिटल सिग्नेचर। तो जाहिर सी बात है कि डिजिटल सिग्नेचर से शिक्षकों का समय से स्कूल पहुंचना अनिवार्य होगा। और दूसरी चीज आपको बता दें कि अब तक का जो शिक्षकों का था, कहीं कहीं देखा जाए तो एक घंटे, दो घंटे या तीन घंटे, या बहुत जगह पे देखा गया है कि बहुत सारे शिक्षक 12 बजे पहुंचते थे। तो जाहिर सी बात है कि उनकी लेट लतीफी, उनकी लापरवाही को देखते हुए बच्चों का जो भविष्य था वो अधर में लटकता हुआ नजर आता था। अब उसी के लिए डिजिटल सिग्नेचर की व्यवस्था सरकार ने उत्तर प्रदेश में लागू कर दी। राजेश, जिस प्रकार से डिजिटल हस्ताक्षर लागू कर रही है, कहीं ना कहीं लापरवाह शिक्षक अपनी लापरवाही को छुपाने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल आरती, अगर बात की जाए शिक्षकों की तो बिल्कुल सही है। जिस तरीके से जो लापरवाह शिक्षक रहते थे, जो लापरवाही करते थे, जो लेट गतिविधि करते थे स्कूल में आने के लिए, तो कहीं कहीं देखा जाए तो उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत सामने खड़ी हुई है। इसकी वजह से डिजिटल सिग्नेचर जो किया गया है तो इसकी वजह से उन्हीं को ज्यादा सबसे दिक्कत हुई है और वही काली पट्टी बांध कर विरोध भी कर रहे हैं। जी, तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद राजेश। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने आदर्श जनता विद्यालय, गोलाकस्ता रोड, उमरपुर, लखीमपुर खीरी। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता, प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल जेके पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 3938822172। गुड़गांव के टॉप ब्यूटी सलों में से अबाउट यू नेल्स एंड ब्यूटी सलों एंड एकेडमी, जहां मिलता है आपको नेल एक्सटेंशन जैसे सभी तरह की कॉस्मेटिक सेवाएं। पता 17 बेसमेंट हुडा मार्केट, सेक्टर 40, गुड़गांव। संपर्क करें 9555299960। महिला एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, लेप्रोस्कोपी सर्जरी जैसे गॉल ब्लैडर, हार्निया, किडनी स्टोन का आधुनिक विधि द्वारा उपचार किया जाता है। अदिति हॉस्पिटल, जहां मिलता है आपको बेहतरीन इलाज अनुभवी डॉक्टर्स के साथ। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता आलापुर, लखनऊ रोड, पोस्ट हेड ऑफिस, बाराबंकी। फोन नंबर 8707-381-354-79-121-200-78। वॉलपेपर की बेहतरीन डिजाइन के साथ इंटीरियर और एक्सटीरियर के कार्यों का बेहतरीन अनुभव, केसरवानी पेंट्स एंड हार्डवेयर। पता जवाहरलाल नेहरू रोड, निकट पार्वती हॉस्पिटल, प्रयागराज। मेडिको हॉस्पिटल एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर, जहां होता है स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की निगरानी में बेहतर इलाज। संपर्क करें 9455270200। पता नए हाई कोर्ट के सामने, स्माइलगंज, फैजाबाद रोड, लखनऊ।
अब हर किसी के घर में गूंजेगी बच्चों की किलकारियां, निसंतान को भी मिलेगा अब संतान का सुख। जी हाँ, बांझपन से अगर आपको भी चाहिए छुटकारा तो आज ही आइए सायरा हेल्थ केयर एंड हिजामा सेंटर, आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। डॉक्टर निजामुद्दीन कासमी, सेक्स रोग विशेषज्ञ, हर्बल दवाओं के द्वारा गुप्त रोग और बांझपन के सफल उपचार की 100% गारंटी। पता, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। सुनीता होम केयर सेंटर, जहां रखा जाता है पेशेंट से लेकर बच्चों तक का ख्याल। पता, मटियारी विधायक चौराहा, चुनैट फैजाबाद रोड, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9125179740, 9219470312। आपका स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी, बेहतर इलाज वो भी अनुभवी डॉक्टर्स के साथ। भारत हॉस्पिटल, जहां मिलती है आपको बेहतर हेल्थ फैसिलिटी, 24 घंटे इमरजेंसी वार्ड की सुविधा। डॉक्टर आलम खान कंसल्टेंट फिजिशियन, डॉक्टर तम्मार अली कंसल्टेंट फिजिशियन। पता, तहसीन गंज चौराहा, हरदोई रोड, लखनऊ। फोन नंबर 9188587624669185770927862786। आपकी जिंदगी अनमोल है, इसकी सुरक्षा करें। जब बात हो आपके स्वास्थ्य की तो फिर समझौता कैसा। जी हाँ, आपको हर बीमारी से बचाने के लिए आ गया है लखनऊ नेशनल हॉस्पिटल, जहाँ मिलती है आपको आईसीयू एंड आईसीयू की सुविधा बेहतरीन मेडिकल इक्विपमेंट्स के साथ, वो भी 24 घंटे मेडिकल सुविधा के साथ, वो भी अनुभवी डॉक्टरों की देखरेख में। पता, नेशनल कॉम्प्लेक्स नियर सुन्नी इंटर कॉलेज, टुंडियागंज, लखनऊ। मोबाइल नंबर 7991223441। दशकों से प्रयागराज के विश्वसनीय शैक्षणिक संस्थानों में से एक वैभव क्लासेस, जहां मिलता है शिक्षा का बेहतर एनवायरमेंट अनुभवी शिक्षकों के साथ। पता, नियर ऑटो सेल्स बिल्डिंग, सिविल लाइंस, प्रयागराज। प्रयागराज में पहली बार जर्मन टेक्नोलॉजी तकनीक के द्वारा महिलाओं की शारीरिक और मानसिक तकलीफों से छुटकारा पाए। शकुंतला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पता 3B ताशकंद मार्ग, सेंट जोसेफ कॉलेज के सामने, निकट भार्गव बुक डिपो, प्रयागराज। babasahibshadi.com, ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मन चाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है, आप आज ही अपना निःशुल्क पंजीकरण कराएं और मन चाहा रिश्ता पाएं। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हर्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हर्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से, और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियों के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बन। माँ सरस्वती शिक्षण संस्थान मदुरी, राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहाँ होता है भविष्य निर्माण। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें और अपने बच्चों को दिलाएं बेहतर शिक्षा। जिला खीरी, उत्तर प्रदेश। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर, आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता, झलवा, प्रयागराज। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता, सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। छूट नहीं पाएगी अब यूपी की कोई भी खबर, क्योंकि हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। सच्ची खबरों पर रहेगा हमारा पूरा फोकस, आपको दिखाएंगे सूबे से जुड़ी हर खबर। देखिए प्राइम उत्तर प्रदेश, सिर्फ प्राइम टीवी पर। राजनीति से लेकर खेल के मैदान तक।